व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर मेकअप वीडियो। मैंने कुछ टाइम पहले मिंत्रा हॉल किया था और उसमें मैंने मेकअप किया था जो आप लोगों को बिल्कुल क्रिसमस अप्रोप्रिएट लगा था, विच इज ट्रू ऑल्सो। वो मैंने क्रिसमस अप्रोप्रिएट मेकअप ही किया था। ये व्हाइट कलर का प्लेन टॉप पहना हुआ था मैंने उसमें, जो मैंने मिंत्रा से ही लिया था, और साथ में जो मेकअप किया हुआ था वो आप लोगों को बहुत पसंद आया था और आप लोगों ने बोलता क्रिएट करके दिखाओ। यूजुअली मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं हर वीडियो में जो मेकअप करती हूँ वो बोलते हो आप कि वो करके दिखाओ, तो फिर जो जिसके बारे में बोल देते हो मैं कर देती हूँ। एंड वैसे भी क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस अप्रोप्रिएट मेकअप है तो फिर कर ही लेते हैं, ठीक है। तो उस दिन मैंने जो जो एग्जैक्ट सामान इस्तेमाल किया था वही वही सामान आज इस्तेमाल करके मैं आप लोगों को जल्दी से फटाफट से शॉर्ट वीडियो रखेंगे, वो सब इस्तेमाल करके दिखा देती और हम फिर से वो लुक क्रिएट कर लेते हैं। ये सामान मैंने यहाँ पे रख लिया है, शुरू करते हैं। सबसे पहले वॉश मैंने अपना फेस कर लिया है और फेस वॉश करने के लिए मैं हमेशा की तरह इस्तेमाल जो मैं करती हूँ डर्मा वाइफ का अपना हाइड्रा क्लेंजर, उससे मैंने अपना फेस जो है वॉश कर लिया अच्छे से। उसके बाद हम करेंगे अपना फेस मॉइस्चराइज। मॉइस्चराइजर हमेशा की तरह मैं यही इस्तेमाल करती हूँ न्यूट्रीडर्म का, ये है मॉइस्चराइजिंग लोशन विद विटामिन ई। अब हम लेके वॉर्म करके इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्टिवेट करके फेस को मसाज कर लेंगे। अब उस दिन मैंने एक और चीज भी लगाई थी अलग से, ये मैक की स्ट्रोब क्रीम। वैसे मेरे पास इसमें फुल साइज भी है लेकिन अभी मैं इसका जो मिनी वाला साइज है ना उसी को सबसे पहले खत्म कर रही हूँ। तो अपना फेस मॉइस्चराइज करने के बाद हल्का से और एक्स्ट्रा ग्लो के लिए ये मैंने इतनी स्ट्रोब क्रीम ली थी मैक की, और अपने फेस पे लगा लिया था। इससे थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा ना थोड़ा सा शाइन ग्लो, और ये देख रहे हो ऑलरेडी, लुक एट दिस, ये देखो। नाउ वंस माय फेस केयर इज डन, नाउ आई विल मूव ऑन टू माय लिप केयर। लिप्स के लिए उस दिन मैंने इस्तेमाल किया था बायोटिक का लिप बाम। अच्छे से मसाज करके ये हो गया मेरा स्किन केयर। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैं नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना। अगर आपको इसमें से कुछ चीज लेनी हो तो आप ले सकते हो उन लिंक्स के साथ। नाउ मूविंग ऑन टू द बेस। उस दिन मैंने जो बेस इस्तेमाल किया था वो मैक का था स्टूडियो फिक्स NC42, ये रहा, ठीक है। अब उस दिन मैंने इसमें ना साथ में और एक्स्ट्रा ग्लो के लिए मैंने इस्तेमाल की थी स्ट्रोब एंड ग्लो लिक्विड हाइलाइटर, तो इसको मैंने उस दिन फाउंडेशन में मिक्स किया था। अब हम इसको सारे फेस पे फाउंडेशन को मिक्स कर लिया मैंने आपस में ना इन दोनों चीजों को, फिर अप्लाई किया। अब ये ब्यूटी ब्लेंडर है, इससे मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। ये देखो, देख रहे हो कितना अच्छा ग्लो आ रहा है, क्योंकि मैंने फाउंडेशन लगाने से पहले बहुत अच्छा किया। नाउ मेरे डार्क सर्कल्स वैसे बिल्कुल ही ना के बराबर हो गए अब, बट हल्का सा हम लगाएंगे। ये शुगर का हमेशा हर वीडियो में आप देखते हो मैं यही यूज़ करती हूँ अपने पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल्स और कोई भी अगर मार्क्स छोटे मोटे मुझे लगते हैं वो छुपाने के लिए। वैसे कुछ खास है नहीं, टच हो। अब इसको हम सेम स्पॉन्ज के साथ ब्लेंड कर देंगे। अगेन कंसीलर को हमेशा बताती हूँ मैं, ऐसे ऐसे ड्रैग नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। नहीं तो कंसीलर जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ड्रैग हो जाता है, जो प्रोडक्ट होता है बेसिकली वो ड्रैग हो जाता है और आपको कवरेज नहीं मिलती है, क्योंकि आपने बेसिकली क्या किया, आपने उसको स्किन के अंदर पुश करने की जगह आपने हटा दिया उसको उस जगह से। सो दैट इज व्हाई। नाउ फॉर ब्राइटनिंग हाईलाइटिंग आई एम यूजिंग द मेबलिन का 36 गोल्डन में अनदर हाईलाइटर, जो हम हाईलाइट करने के लिए कुछ एरियाज पे लगाएंगे। दिस इज अ कॉम्बो दैट आई वेरी ऑफन यूज। हल्का सा ये जो हाई पॉइंट्स हैं आपके फेस के उस पे लगा लिया। अगेन बहुत कम क्वांटिटी लगाई है मैंने, यू कैन बिल्ड इट अप। अगर आपको लगे मेरा सब कुछ ये कवर नहीं हुआ है या ये ठीक से नहीं हुआ है तो यू कैन बिल्ड इट अप। उसके बाद मेरा फिटमी का फेवरेट कॉम्पैक्ट सस्ता और टिकाऊ थोड़ा सा लेके एक ड्राई स्पॉन्ज पे मैंने अपना हमेशा की तरह रूटीन फॉलो किया, और जहां जहां मैंने कंसीलर लगाया था वहां पे हल्का हल्का सा लगा लिया, बहुत ज्यादा नहीं लगाया, बहुत ही कम लगाया, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि ये मैट नहीं लगना चाहिए मेकअप। अब हम करेंगे फेस को कॉन्टोर।
कॉन्टोर के लिए मैंने यूज किया है शुगर का 01 टॉप टॉपर कॉन्टोर। ये जो लाइन है यहां लगाना है, कहां तक? पूरा ऊपर तक। पहले ये लाइन में लगाना है ऐसे, और फिर इसको हल्का सा ऐसे गोल गोल वो कर देना है, सो दैट इट ब्लेंड्स ऊपर और नीचे भी, एक स्ट्रेट ऐसे लाइन नहीं लगे। अब यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा, तो आपका जो ये वाला एरिया है ये थोड़ा सा डार्क हो जाता है और अंदर चला जाता है। नोज थोड़ा सा फुल, कॉन्टोर डन हो गया गाइस एक ही ब्रश से। अब उसी ब्रश से मैं, अभी कुछ खास प्रोडक्ट तो है नहीं इस पे, ठीक है, अगर आपको लगता भी है तो हल्का सा और इसको अपने हाथ पे साफ कर लो। उसके बाद जो ब्लश मैंने यूज किया है वो है ये बायोटिक का नेचुरल ब्लश, ये हल्का सा लगाया, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है क्योंकि जब आप इस लुक में जो है मैं रेड लिपस्टिक लगाने वाली हूँ, डार्क रेड लिपस्टिक, ठीक है। तो जब डार्क रेड लिपस्टिक लगाओ तो कोशिश करो ब्लश ज्यादा ना करो, मुझे ऐसा लगता है, मैं ज्यादा नहीं करती हूँ, ठीक है। मैं और अभी इसको कम कर लूंगी क्योंकि क्या होता है यहाँ पे रेड और यहाँ पे पिंक, वो मुझे कॉम्बिनेशन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए जब रेड लिपस्टिक लगा रहे हो मेक श्योर करो ये नहीं लगाओ, पिंक ब्लश नहीं लगाओ, या तो फिर आप थोड़ा सा न्यूड टाइप का जो ब्लश होता है वैसा चले जाओ, बट एकदम डार्क पिंक ब्लश मत लगाओ, नहीं तो थोड़ा सा वो जोकर वाला फीलिंग आ जाएगा। मूविंग ऑन टू द हाइलाइटर, क्योंकि मैंने यही मिक्स किया था अपने फाउंडेशन में, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू हाइलाइटर्स मैंने यहाँ पे भी यही लगा लिया था, ये देखो, ठीक है, दिस इज हाउ इट्स डन, हल्का सा इससे, ठीक है। अगेन मैंने ये क्या है, लिक्विड हाइलाइटर है ना, तो थोड़ा सा और ड्यूई फिनिश आपके फेस पे आएगी, ये देख रहे हो ये, ठीक है। अभी अगर मुझे ऐसे हल्का सा लग रहा है जैसे कि ना थोड़ा सा मुझे ये ब्लेंड करने की जरूरत है, तो मैंने ये ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया, ये देखो अभी परफेक्ट हो गया, अभी एकदम मस्त हाइलाइटर जो है एकदम मस्त हो गया, ये देखो अब मुझे सेटिस्फेक्शन मिली है। अब हम आईलाइनर और मस्कारा ये सब लगाने से पहले फेस को पैक कर लेते हैं, ठीक है, वो ब्लैक कलर की चीजें जितनी भी है ना वो बाद में लगाएंगे, नहीं तो फैल जाती। फिक्सिंग माय मेकअप आई एम यूजिंग दिस मैक का फिक्स प्लस। आईब्रोज के लिए अगेन माय ब्राउ पाउडर इन द शेड 01 जेरी ब्राउन। पहले मैं हमेशा पीछे लगाती हूँ क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा है इस वक्त, मेरी जो स्टिक है वॉन्ड है इस पे, तो सबसे पहले एंड मतलब मिडिल और एंड में लगाती हूँ, ये देखो, फिर थोड़ा प्रोडक्ट कम हो जाता है तो फिर मैं बिगिनिंग में आती हूँ, नहीं तो बहुत सारा प्रोडक्ट आपकी जो बिगिनिंग ऑफ द आईब्रो है वहां पे लग जाएगा एंड देन बहुत फेक लगेगी आईब्रो। नाउ मूविंग ऑन द आईलाइनर, ब्लू हेवन का, इसमें एक साइड पे आईलाइनर है और एक साइड पे काजल है। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ द काजल दैट कम्स विद दिस, बट आई टोटली लव द आईलाइनर बिकॉज इट्स अ पेंसिल आईलाइनर, वेरी वेरी इजी टू अप्लाई। नाउ लेट्स फोकस। Now for mascara we are still sticking to K Beauty mascara, this is the one, done guys, just lipstick reh gayi hai. Now the magic lipstick that I used the other day, bahut sundar hai ye matte attack transfer proof lipstick sugar ki hai in the shade 02 red zeppelin, बहुत ही खूबसूरत रेड है। सीधा नहीं लगाएंगे, सबसे पहले अपने लिप्स को लाइन करेंगे, लाइन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ना वो जो एकदम एक क्रिस्प लाइन होती है वो इतनी बड़ी लिपस्टिक से बुलेट से जो बुलेट होती है लिपस्टिक की ये इससे नहीं आती है उतनी, तो पहले लाइन करना बहुत जरूरी है इफ यू वांट रियली रियली गुड क्रिस्प शेप।
देखो अब आपको इससे शेप नहीं बनानी पड़ी है ना, शेप आपको ऑलरेडी मिल गई, आपने सिर्फ अंदर फिल किया है. डन. लुक एट द लेयर. I'm sure Christmas पे अगर कोई भी तैयार होता है तो व्हाइट कलर पहनना पसंद करता है, व्हाइट या फिर रेड, बट आई थिंक व्हाइट इज अ ग्रेट ऑप्शन बिकॉज यू कैन डू सो मच विद योर मेकअप अगर आप व्हाइट पहनते हो. रेड के साथ यू कांट डू मच. मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कोई अच्छा सा व्हाइट कलर पहनो और साथ में ये रेड लिपस्टिक और ब्लैक मोटा आईलाइनर का पेयर अप कर लो. It will look amazing. So yeah, if you create this look, very simple look, ऐसा कुछ खास नहीं है, but if you do this combination, also let me know. Picture खींच के मुझे tag कर देना Instagram पे, मैं repost कर दूंगी. This is it. I hope you guys enjoyed. Let me know that in the comments, and I'm gonna see you guys super soon in my next video. Till then, bye bye. Take care, guys. Merry Christmas.